हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। गाड़ी बताओ भाई, सबसे पहले कैसी लग रही है आपको? हैरियर वैरियर बाद में बताएंगे, सबसे पहले गाड़ी की लुक बताओ मुझे कमेंट करके। गाड़ी की लुक कैसी लग रही है आपको? ना इसकी जो मतलब मॉडिफिकेशन की वीडियो है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी ये वाली वीडियो मेरे भाई का ओनरशिप रिव्यू लूंगा मैं, मतलब कब से यूज़ कर रहे हैं जो भी चीज़ है सारी चीज़ बताऊंगा भाई को मैं। तो सबसे पहले बिना देरी के बुलाते हैं उन्हें भाई को। भाई सूरज भाई आ जाओ एक बार जल्दी फ्रेम में आ जाओ। तो सबसे पहले भाई क्या हाल है भाई? सूरज भाई बढ़िया। तो भाई ये हैं अपने हैरियर के ओनर। तो भाई से पूछेंगे आज जो भी इसके पॉजिटिव नेगेटिव भाई ने मतलब बता रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव लग रहे हैं इस गाड़ी में। तो भाई से ना सारी चीज़ें पूछते हैं। तो सूरज भाई सबसे पहले ये बताओ मुझे, कब ली थी आपने ये गाड़ी? भाई ये ली थी मैंने 2020 में ली थी मैंने। अच्छा 2020 में। कौन सा वाला वेरियंट है भाई ये? भाई ये XT प्लस है। अच्छा तो मतलब अब तक कितनी चला चुके हो भाई से? भाई ये चला दी हमने 60,000 के लगभग। मतलब कब ली थी भाई? 2020 में। मतलब 2 साल में 60,000 चला दी, मतलब रनिंग ज़्यादा है भाई की मतलब। अच्छा भाई तो मतलब ऑन रोड प्राइस था जो हमें कितने का पड़ा था वो? भाई हमें पड़ी थी 22 की। भाई अंदर आ जाओ, थोड़ी ना हवा चल रही है इधर। भाई अंदर बैठ जाते हैं। कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर है अपने हैरियर का। पुश बटन स्टार्ट है जो वो अपनी गाड़ी है। अच्छा भाई आप बता रहे हो 60,000 किलोमीटर? तो साठ मतलब रनिंग ठीक ठाक है गाड़ी की? हाँ भाई ठीक ठाक है, बढ़िया। अपना मतलब ये है कि ज्यादा बाहर जाते लद्दाख तक भाई सब जगह यही ले जाए। अच्छा लद्दाख तक चली गई गाड़ी, लंबा ट्रिप मार दे खूब मतलब है भाई। लद्दाख से फिर कश्मीर होते पूरे वापस आई है। अच्छा अच्छा मतलब कितने किलोमीटर चली थी लगभग उस टाइम पे? उस टाइम पे चली थी कम से कम भी 2,500 किलोमीटर। अच्छा सबसे पहले भाई यही बता दो मुझे, 2,500 किलोमीटर आपने कंटिन्यू मतलब 10-12 दिन का ट्रिप ही होगा? हाँ भाई 10 दिन का था। हाँ तो मतलब ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली गाड़ी चलाई होगी। तो मतलब भाई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई थी लद्दाख इतना लंबा ट्रिप था जो 2,500? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस वो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वैसे नहीं मतलब कंफर्ट वाइज वगैरह हर चीज मतलब बिल्कुल सेफ्टी। अच्छा भाई एक बात बताओ मुझे, टाटा हैरियर ही क्यों ली थी आपने? पहले मैं सोच रहा था कि एक बार फॉर्च्यूनर लूँ। अच्छा फॉर्च्यूनर सोची थी, पर भाई इसमें यार देखी कि उसमें 40 लाख रुपए वेस्ट करना बहन से क्या फायदा, उसमें ना कोई फ्यूचर ना कुछ ना इतनी वो लगती। तो भाई फिर मेरा बड़ा भाई है हाँ। वो बोलता कि हैरियर ले लेते हैं। भाई देखी जाके तो उससे ये लगा लो कि बहुत ज्यादा सही बढ़िया पड़ी है। ना फॉर्च्यूनर से तो बहुत अच्छी गाड़ी यार, बिल्कुल बिल्कुल भाई मानने वाली बात है। तो उसके हिसाब से बहुत सही है। अच्छा हैरियर इसलिए ली थी। अच्छा किसी और गाड़ी पे मतलब इसकी रेंज में ना बहुत गाड़ी आती है भाई आपको पता है, मतलब मतलब XUV700 भी आ रही है। मतलब एक्चुअली महिंद्रा की तरफ क्यों नहीं गई, मतलब आप ये बताओ मुझे सबसे पहले। यार महिंद्रा की यार वो ये फिलहाल में जो आ रही है वो इतना मजा नहीं है गाड़ी में। मजा नहीं है ना वो। हाँ, एक XUV700 निकाल दी, वो प्रैक्टिकल नहीं है अपने यहाँ रोडो पे ना। वो दुनिया भर के फंक्शन दे दिए, खुद गाड़ी चलती है भाई। अब यहाँ बंदे ढंग से नहीं चलाते, खुद ही क्या चलाएंगे। अच्छा फिर सेंसर भी ज्यादा कुछ दे, कुछ सेंसर भाई वो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हो गया उसका। फिर वो ये एजेंसी खड़ी कर ले जाके। सही बात है, सही बात है भाई। अच्छा अपनी हैवी गाड़ी है, बढ़िया अपने लुक भी बढ़िया लगती है और वैसे सब चीज़। अच्छा भाई मैं अगर कोई एक दो इसके पॉजिटिव पूछूं तो पॉजिटिव कुछ बताओगे हैरियर के आपको क्या? मतलब 2 साल लगभग यूज कर रहे होगे तो मतलब अच्छाइयां क्या क्या हैं इस गाड़ी की? भाई मेन बात बताऊं यार, मेन चीज हैवी है। हैवी बल्की लुक देती है ना भाई बहुत। कोई कैसा भी लेके जा रहा है भाई तो सामने वाला बंदा भी सोचता है कि हाँ कोई बैठा अंदर तो है। सही बात है, मतलब वही फॉर्च्यूनर वाली फील ही आती है ना अंदर। और भाई ने शीशे बिल्कुल ब्लैक जेट करा रखे हैं भाई, जेट ब्लैक से ही लद्दाख ले गया हूं कश्मीर। अच्छा जैसलमेर तक भी गई है जेट ब्लैक से ही। अच्छा मतलब पुलिस वालों ने रोका भाई को? नहीं भाई कहीं भी। अच्छा मतलब अब तक रुकी भी नहीं एक बार? हाँ वो ही है बस भाई, अपना आज तक अभी तक तो कहीं पकड़ी नहीं है। अच्छा जी अच्छा। अच्छा आप पूछते हैं भाई, आप बता रहे थे ना वो एक्सीडेंट वाला सीन था इस गाड़ी का ना, मैं आपको बता देता हूँ भाई। एक्सीडेंट भी हो चुका था जो भाई बता रहे, टोटल लॉस में जानी थी वो गाड़ियाँ। हाँ भाई टोटल लॉस की बोल दी थी। अच्छा वो क्या सीन था भाई थोड़ा सा बताओगे? वो भाई ऐसी बात थी, वो मेरा बड़ा भाई लग गया था इसको, वो आ रहा था कॉलेज से। तो भाई अपना ये नहीं है बल्लमगढ़ वाला फ्लाई। हाँ बल्लमगढ़ वाला फ्लाई ओवर है भाई। तो भाई इस पे भाई ने चला रखी थी, मतलब कि थी 120 के आसपास थी। तो आगे भाई जैसे ही भाई ने कट मारा तो आगे वो आ गया 407 होता है। अरे उसमें भाई पीछे से लगी थी ये। अच्छा मैं ना आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा वो वाला स्क्रीनशॉट, देखना भाई गाड़ी की कैसी कंडीशन थी। अच्छा भाई टाटा की सर्विस के बारे में क्या कहना है आपका?
भाई जो भी है ना भाई बिल्कुल रियल बताना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत घटिया है, बहुत घटिया सर्विस है, सर्विस बहुत घटिया है। वो किस मामले में क्या फील करा आपने भाई? यार एक्सीडेंट हुई है जैसे मेरी, हाँ, तो उसके बाद भी भाई बिल्कुल मजा सा नहीं है। अच्छा, मजा से नहीं रही, मतलब की लगता दब रही है कोई पीछे पकड़ के खींच रहा है। अच्छा जी, भाई मतलब जो मतलब कस्टमर की मतलब जब आपने गाड़ी ली थी जो उनकी हॉस्पिटैलिटी थी मतलब जो आपका देने का डिलीवरी का वो था वो कैसा था, मतलब उनका ठीक ठाक था डिलीवरी का? भाई बढ़िया था वैसे तो, कोई वो नहीं, बट वही है कि सर्विस के मामले में बहुत बेकार है, सर्विस बेकार लगी टाटा की भाई। मतलब मैं ना भाई कई गाड़ियों का रिव्यू कर चुका हूँ सर्विस के बारे में, तो यार सभी ये बोलते हैं। अच्छा मतलब अच्छी नहीं है तो मतलब आप क्या कहना चाहोगे टाटा वालों को, कोई टाटा का कोई देख रहा हो तो ऐसे भाई वीडियो यही है कि वो अपना एक तार उसमें वर्कर नहीं है ढंग के। अच्छा वर्कर नहीं है, वर्कर नहीं है एजेंसी वालों को, जहाँ तक एसी में दिक्कत आई थी। अच्छा है ना एसी तो एजेंसी वालों ठीक नहीं हुआ, चेला बाहर से आया दो मिनट में ठीक करके चला गया। अच्छा जी, हाँ भाई मतलब वही है यार, टाटा की कंपनी की क्या गलती है इसमें, गलती तो इनकी है ना, है ना वर्करों की गलती है, वो ही अच्छे नहीं करते तो भाई सर्विस वाले वो सही नहीं। अच्छा गाड़ी से वैसे सेटिस्फाई हो भाई फुल? मतलब एकदम मजा बढ़िया चलती है एकदम। अच्छा कोई वो नहीं है, देखते हैं भाई एक बार ऐसे चला के देखते हैं एक बार। आप बता रहे थे ना इसमें जैसे कुछ दिक्कत आ रही है शायद चलाने करने में, क्या दिक्कत आ रही है? भाई वाइब्रेशन देती है स्टीयरिंग पे। अभी देखते हैं, मतलब ऐसे कोई सर्टेन स्पीड है फिर वैसे ही मतलब नॉर्मल स्पीड में भी देती है, मतलब किसी हाई स्पीड पे देती है 80 की, मतलब 60 80 पे जाती है ना फिर। मैं बताता हूँ भाई वो क्यों दे रही है, आपने ना अलॉय भी लगवा रखे है इसमें, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है गाड़ी में, है ना? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब कंपनी शायद इसमें 18 इंची टायर देती है भाई, कैसे एजेंसी वालों ने कि भाई अलॉय निकाल दो। अच्छा हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ओके अब देखते हैं एक बार इसे खींच के, भाई बोल रहे है ना आपने खींची स्टीयरिंग में एकदम उधर उधर। हाँ हाँ ये क्या आवाज करी थी भाई अभी इसने गियर ने? इसका अलाइनमेंट आउट है क्या भाई, राइट साइड भाग रही है? अच्छा चिंटा पेंट भाई, पावर तो सही है यार गाड़ी में, 120 ऐसी पहुंच गई, देख लो है ना ये आई ना वाइब्रेशन। देखो भाई ये वाइब्रेशन देखो आप, ये कंपनी में बात की थी आपने इसकी? करी थी भाई। क्या बोल रहे थे? एक तो वो बोल रहे कि चिंटा पेंट उसकी वजह से आ रही है, मतलब ये दिक्कत बता रहे थे ज्यादातर चिमटा बैंड है ये, मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे क्या से? एक्सीडेंट हुआ तो कुछ उससे भी फर्क पड़ा। हाँ भाई मेन चीज तो एक्सीडेंट का, मेजर एक्सीडेंट था भाई वो भी। अच्छा तो उसकी वजह से बता रहे हैं वो भी। चलो तो भाई ये था हमारा एक्सपीरियंस, बाकी इसकी मॉडिफिकेशन की वीडियो देखना भाई, भाई ने दिखाऊंगा आपको क्या क्या काम कराया है, बहुत अल्टीमेट गाड़ी लग रही है। मतलब यार रोड पे ना जहाँ से गाड़ी निकल जाती है ना बंदा मुड़ मुड़ के देखता है, वो हेड टर्नर वाली फील होती है ना, वो चीज आ रही है। हरिद्वार गया था मैं लेके, हाँ तो मैं जैसे आ रहा वहाँ पे, तो भाई एक लड़की खड़ी थी साइड में और उसने भाई नीचे देखा टायरों को, जब बोलते अपने दोस्त हाय इतने बड़े टायर, वाह वाह वाह। तो भाई यहाँ भी फरीदाबाद में मैंने मतलब कि मैं भी यही चावला कॉलोनी की बात है। अच्छा लड़की वहाँ गया तो वहाँ पे खड़े थे लोग, तो भाई ऐसे देखते गाड़ी को जैसे क्या, तो मैं सोचता हूँ गाड़ी में कुछ लटक रहा है मेरे ख्याल से, घूर घूर के भाई मैं उतर के क्या देखा कुछ नहीं, फिर ध्यान दिया कि टायरों को देख रहे हैं। वाह वाह भाई मौज कर दी भाई। तो भाई ये था हमारा ओनरशिप एक्सपीरियंस अपना सूरज भाई से, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बाकी बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगी, भाई ने तो अपनी प्रॉब्लम्स बता दी जो भी नेगेटिव पॉइंट्स थे, तो भाई वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।